मुरली को भी मजाक बना के रखा हुआ है कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार शादी, प्यार को भी मजाक बना के रखा हुआ है, लड़ाई को भी मजाक बना रखा है, तमाम को, मतलब क्या है। आप भी बिग बॉस के अंदर गए हो, आप भी तो जानते हो जी, तो उनका जो अभी आदिल के साथ चल रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ये पिछले, अरे यार उन लोगों के बारे में क्या बोलूं, मुझे तो एक बार समझ नहीं आती कि जब बिग बॉस की कास्टिंग स्टार्ट होती है तभी उन लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, तभी तलाक हो जाते हैं, तभी लड़ाइयां हो जाती है। क्या बात है, पता नहीं मुझे नहीं समझ में नहीं आता है कि मतलब बिग बॉस जैसे स्टार्ट होने वाला होता है और उन लोगों को पता चलता है अच्छा बिग बॉस की कास्टिंग चल रही है, चलो हम कुछ नया करते हैं, तो मतलब क्यों ऐसा करते हैं यार। और मतलब शादी को भी मजाक बना के रखा हुआ है कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार शादी, प्यार को भी मजाक बना के रखा हुआ है, लड़ाई को भी मजाक बना रखा है, तमाम को, मतलब क्या है ऐसा। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस के लिए इतना भी मतलब किसी को करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि राखी जी गलत है आदिल? देखो मुझे पता नहीं भैया दोनों गलत है या दोनों भी बोल रहा है कि मैं सच्ची हूँ। नहीं देखो भैया दोनों में से देखो कोई गलत हो सही हो ये तो मैं बोल नहीं सकती, बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि भाई लोगों की जो लड़ाइयाँ होती है, प्यार होता है, शादियाँ होती है या जो भी होता है बिग बॉस से पहले ही क्यों होता है, मुझे बस एक चीज का जवाब चाहिए। तो खैर चलो मैं चलती हूं। मैम जैसे एमसी शैन का नया सॉन्ग आया उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जैसे एमसी शैन का न्यू सॉन्ग आया उसके बारे में क्या कहना? हाँ आज ही आया न्यू सॉन्ग आया। अच्छा न्यू सॉन्ग से याद आया, इधर ही आ जाओ। अच्छा पूछा क्यों न्यू सॉन्ग से मुझे याद आया? मैम यहाँ पे भी थोड़ा फ्रेम में देखिए, देखिए तो न्यू सॉन्ग से याद आया कि मेरा भी न्यू सॉन्ग आने वाला है 2 सितंबर को, देखना जरूर। ओके 1 तारीख को बर्थडे, 2 तारीख 1 तारीख को बर्थडे, 2 तारीख का सॉन्ग और सॉन्ग का नाम है एसी लगवा दे। गाड़ी में लगी हुई है भाई।